तो आर्टिकल इज इक्वली इंपॉर्टेंट सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म्स में आर्टिकल आपको लर्न करने जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पर शूल जाखन है दास बुक जी लांड काट ठीक है ये सिंगुलर है और प्लूरल आपको राइट साइड पे लिखे हुए हैं तो प्लूरल में सबका आर्टिकल डी होता है आपको पता है और सिंगुलर में आर्टिकल डी डेयर और दास कुछ भी हो सकता है आपको ये लर्न करने तभी आप आगे के क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो सेकेंड है इंपॉर्टेंट थिंग टेल फ्रागन फ्रागा बिल्डर कैसे क्वेश्चन बनाने हैं आपको पता है क्वेश्चन दो तरीके से बनाते हैं डब्लू फ्रागे होता है और एक या नाइन होता है तो पहला क्वेश्चन देखिए आप डेन कुली ब्राउके इश इसको हम ऐसे देख सकते हैं इश ब्राउके कुली मतलब आई नीड दिस पेन मुझे इस पेन की जरूरत है तो क्वेश्चन क्या होगा वास ब्राउखन जी वट डू यू नीड आपको क्या चाहिए और आप दो में भी बना सकते हो वास ब्राउक्स तू ठीक है इस तरह से सेकेंड से क्वेश्चन या इश जू जी यस आई एम सर्चिंग इट तो या नाइन क्वेश्चन है ये तो जब भी यहां क्वेश्चन होता है तो हम वर्ग से स्टार्ट करते हैं और जो कि वर्ब आंसर में जुखन है तो हम जुखन ही लिखेंगे जुखन जी डी माप अब यहाँ पे मैंने डी इसलिए यूज किया क्योंकि आंसर में जी लिखा है तो जी को इक्वली करने के लिए हमें डी चाहिए होगा डी माप डी शेर डी लांड काट ठीक है कोई भी नाउन जिसका आर्टिकल डी है वो हमें यूज करना है तो इसका मतलब है आर यू सर्चिंग डी माप या शेर तो आंसर होगा यस आई एम सर्चिंग इट इस तरह से थर्ड क्वेश्चन का आंसर है, और भी इसी तरह से सेम है so, तो इसमें आपको सब्जेक्ट का नाम लिखना है क्योंकि चैप्टर सब्जेक्ट से रिलेटेड है तो सब्जेक्ट का किसी का भी नाम आप लिख सकते हो यहाँ पे यह आपको ध्यान देना है ठीक है तो कोई भी सब्जेक्ट आप लिख सकते हो ठीक है इसमें आप कोई भी सब्जेक्ट लिख सकते हो जैसे इश हाबे माथे मोन्टाक मंडे को मेरा मैथ्स है तो इसका क्वेश्चन क्या बनेगा कि डू हैव ऑन मंडे मंडे को क्या है और दूसरा ऑप्शन क्या इसे वान हाबंजी माथे कि आपका मैथ्स कब है तो वास और वन दोनों ही आंसर इसमें करेक्ट है ठीक है ये आपको ध्यान देना है अब चैप्टर वन के ये कुछ और क्वेश्चन है स्टल फ्रागन है ये भी इस ड्रिंक के काफी गैर आई ड्रिंक कॉफी तो काफी की बात हो रही है तो क्वेश्चन बनेगा वास जी डू यू ड्रिंक और दूसरा ऑप्शन क्या है वास जी वुड यू लाइक टू ड्रिंक आप क्या पीना पसंद करते हो ठीक है दोनों ही आंसर करेक्ट है दोनों ही आप लिख सकते हो ठीक है इस तरह से नेक्स्ट देखिए या इस ऐसे कुखन यस आई ईट केक तो या नाइन है वर्ब एसन है तो इसको हम यूज करेंगे क्वेश्चन में एसन जी कुखन क्या तुम केक खाते हो इसमें दो फॉर्म भी आप लिख सकते हो और नेक्स्ट है इस नेम है आई एन पिज्जा आई टेक अ पीस ऑफ पिज्जा स्टूक मीन अ पीस और पिज्जा का आर्टिकल डी होता है तो आंसर क्वेश्चन हमने बनाया वाज नेमन जी सिंपल व्हाट डू यू टेक और दो में भी लिख सकते हो आप इस तरह से नेक्स्ट है लास्ट में जी इस्ट पी ब्रॉड यहाँ पे जी जो है स्मॉल है आप देख रहे हो कॉन्ट्रीब्यूशन इस्ट है इसलिए थर्ड पर्सन शी वी तो वो क्या खाती है, What does she eat? और family words, we, है। इस चैप्टर में आपको अच्छे से लर्न करना है आपको इनका मीनिंग पता होना चाहिए अब नेक्स्ट है अरगेंट आइन है इन डेफिनेट आर्टिकल आपको फिल करने हैं। यहाँ पे आप देख लो इस ऐसे आइन ब्रोट ब्रोथ का आर्टिकल दास होता है इसलिए आपको आइन लिखना है इस तरह से जाफ्ट का डेयर है तो आपको आईन लिखना है ठीक है इस आंसर में आइनन आएगा क्योंकि जो आपका जाप्ट है दैट इज डेयर और डेयर के साथ आइनन आता है और वियर नेमन आइन ग्लास वासर तो वास ग्लास का यहाँ पे आर्टिकल चाहिए वासर का नहीं ग्लास का दास है इसलिए आइन और लिमोनाइड डी तो आइने और डेयर कुली तो आइनन ये सारी वर्ब भी आप देख रहे हो आकुजाटी पे इसलिए हम आकुजाटी यहाँ पे इनडेफिनेट आर्टिकल यूज कर रहे हैं एसन त्रिंकन नेमन इसलिए हम आर्टिकल यूज कर रहे हैं तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको अच्छे से लर्न करना है तो इसलिए मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि आपको आर्टिकल्स लर्न करने तभी आप इस तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो नेक्स्ट देखिए और कुछ सेंटेंसिस इस तो इस आप इसमें भी वर्क वर्क जो है हाँ सारी वर्ब क्या है

डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उसको देखिए और पूरा वीडियो अच्छे से आप समझ सकते हो चैप्टर वन और टू दोनों चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे और उसके बाद आपको ये वीडियो भी काफी ईजी लगेगा ये मैंने कुछ एसन और त्रिंकन कैटेगराइज किया है भी आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि कौन कौन सी खाने की चीज है कौन कौन सी पीने की चीजें इसको कैटेगराइज करो तो विद आर्टिकल्स मैंने लिखे हैं दास ब्रोट डी नूडल डेर कुखन इस तरह से ट्रिंकन में डेयर डी मिल्च डेर सेंटेंस बनाने के लिए भी आ सकता है जैसे इस इस ट्रिंक के जाफ्ट ऐसे कूखन इश ऐसे टे तो आपको ये पता होना चाहिए एसन और ट्रिंकन में कौन कौन सी चीजें आप लिख सकते हो फिर नेक्स्ट है नेगेटिव अब ये नेगेटिव सेंटेंस है काइन काइन आपको पता हम नेगेटिव बनाने के लिए यूज करते हैं ठीक है तो नेगेटिव बनाने के लिए हम इसको यूज करते हैं तो कुखन वही जैसे आईनन है तो उसका के लगा दिया ठीक है के लगा दोगे तो ये नेगेशन बन जाएगा ठीक है ऐसे ब्रोट आइन होता है उसका के लगा दिया तो के लगा दोगे तो काइन ब्रोट तो आपको सिर्फ के लगाना है बेसिकली और ये नेगेटिव क्वेश्चन बन जाएगा ठीक है नेगेशन कहते हैं इसको तो यहाँ पे देख रहे हो आप के के लगाओगे आप सब में तो ये नेगेटिव बन जाएगा और के हटा दोगे तो ये इंडेफिनेट आर्टिकल है तो सेम है जो पहले क्वेश्चन किया भी बस उसी के आगे के लगा देना है तो सब नेगेटिव बन जाएगा ये भी आकूजाटिव में ही है ठीक है ये भी आकूजाटिव में नेगेटिव बना रहे हम इसका भी होता है आपको और डाटिव भी होता है तो आपके सिलेबस में भी आकूजाटिव फॉर्म ज्यादा है तो इसको आपको अच्छे से लर्न करना है तो इस छोटे से वीडियो में इतना ही था आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना सी यू नेक्स्ट टाइम विद द न्यू वीडियो टिल देन